नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के कोठी गांव से। यहां खाड़ी के पास आज सुबह 7 बजे के लगभग एक बच्ची शौच क्रिया के लिए गई थी। अचानक खाड़ी में बहुत पानी आ जाने से पानी का लेवल बढ़ गया था, जिसके कारण एकाएक बच्ची खाड़ी के बीचों बीच फंस गई थी। स्थानीय लोगों ने फौरन घटना की जानकारी पुलिस को दी। CPI दिलीप भाई शुक्ला की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और 2 घंटे की रेस्क्यू के बाद बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं गांव के लोगों में खुशी की लहर छा गई है और लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस की मदद से बच्ची के परिवार वाले खुश हैं। हमारे संवाददाता से बच्ची के पिता अशोक भाई टड़वी और केवड़िया कॉलोनी के ASP अचल त्यागी से बातचीत की। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। छोकड़ी सुरेखा हवामां संदेश गई रही थी, वचमां पाणी आवी गयुं एटले फसाई गई थी। शुक्लाजी साहेब ने पोलिस आवी थी, एमनो आभार। क्या थी ये घटना? आज सुबह 7:15 की है, जहां कोठी गांव में एक लड़की सुरेखा, 10 से 12 साल की लड़की है सुरेखा, जो अपने घर से शौच क्रिया के लिए बाहर गई थी और उसी समय पीछे से वहां से पानी, उस कोतर में पानी आ गया, जिसकी वजह से वो वापस आने का पूरा रास्ता कट गया और लड़की बहुत घबरा गई, क्योंकि जब उसने देखा कि इतना ज़्यादा पानी उधर से आ गया है। तो लड़की ने रोना शुरू किया, उसके बाद वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए, हमारे CPI को पता लगा, शुक्ला को, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया तुरंत। उसके बाद क्योंकि वो लंबा खाड़ा था तो उसे पार करने के लिए पहले इन लोगों ने रस्सी से ट्राई किया, फिर फाइनली इन लोगों ने रस्सी उस तरफ बांधी और वहाँ से रस्सी पर लटक के एक आदमी दूसरी तरफ गया। उसके बाद क्योंकि छोटा बच्चा था इसलिए इन लोगों ने एक चादर लेके उसके अंदर एक झूला टाइप बना दिया और वहाँ पे आराम से बच्चे को बैठा दिया और बच्चे को बैठा के फिर तार से उसे इस तरफ हमने ट्रांसपोर्ट किया। कोई भी अकस्मात छोटा मोटा बनाव ना बने इसके लिए नीचे पूरे कोतर में हमने अपने 10-12 लोग खड़े किए, जिससे किसी भी घटना में बच्ची को हम अपने हाथों में रख सकें, और उसके बाद रेस्क्यू किया। तो ये काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लगा इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने में, 9 बजे तक हमने वाइंड अप किया। बच्ची कोठी गांव की है, सुरेखा उसका नाम है, सुरेखा तरली, और ये पिपरिया फलिया में रहती है। आइए हमारे साथ यहां पर कुछ गांव के स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। आज रोज आजे नानी छोकरी नानी बाकी शौच क्रिया मारे खाड़ी पर गई थी और बाकी अचानक पानी आता ये सामने बेट पर उभी रह गई और बहुत घबरा गई थी। मैं जानते मैं खाड़ी आयो तारे मैंने जानते नहीं मैं हूँ। गाँव के स्थानीय लोग जिनका कहना है कि जो काम यहाँ पर डिजास्टर विभाग को करना चाहिए वो काम आज केवड़िया स्थानीय पुलिस ने किया है, जो हालांकि यह गांव लोग भी यहाँ पर ये जो स्थानीय पुलिस है उसके उसका यह कामगिरी से वो लोग भी बहुत खुश हुए हैं और वह गौरव अनुभव रहे हैं। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।